चली जा बांदी बगियालो कि हम जाने या तू जाने, खबर ना होए मेरे साजन को कि हम जाने या तू जाने। खबर ना हो मेरे राजा को के हम जाने या तू जाने। बांदी, यहां से तुम बगीचा के लिए चली जाओ और किसी तरीके से इस खूबसूरत नौजवान को सिर्फ एक बार लेकर के मेरे आंगन में। बांदी कहने लगी, ओ नाला, क्या कह रही तू, तुझे शर्म नहीं आती? अरे बांदी ने गिराई उच्चारी, अरे बंदिया ने गिराई उच्चारी, गैर के संग मत प्रेम लगारी, ना तेरी हुई जाए बहुत वरी ख्वारी। तुम नहीं जानती रानी, पर पत से लगायो प्रेम फूस को तपनो, चाहे धरो कले जो काड़े हो तो नहीं अपनो। रानी प्रीत ननी की कपराए पुरुष की नीना, रोए री रोए रह जा, प्रीत के खुद अपने की नीति है के भोर हो तनेना भिड़ जा। बांदी ने जवाब दिया, देखो तुम नहीं जानते, वो तुम्हारा बालक है, लेकिन बच्चे के ऊपर इस तरीके से विचार करना ये पाप है। फूलमती कहने लगी, ओ बांदी, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी बात सुन, ओ बांदी तू आज हमें किस चक्कर में पटक रही है? ओ बांदी, अरे पूरन मल की सकल मेरे हृदय में खटक रही है, ये ब्रह्मचारी की सकल मेरे हृदय में खटक रही है। ओ बांदी, ओ बांदी तू क्या आज हमें किस चक्कर में पटक रही है? अरे पूरन मल की सकल मेरे सीने में खटक रही है। बांदी, छल से बल से किसी तरीके से इस खूबसूरत नौजवान को सिर्फ एक बार मेरी नजरों के सामने लेकर के आ, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुम जिंदगी भर बैठ करके खाओगी। बांदी कहने लगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरी बात सुन रानी, अभी तुझे कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि एक दिन तेरे ऊपर कौन सा आएगा, मगर ये ध्यान रखना भाइयों। क्या बोली बांदी, कि फिर क्या करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे, जवानी ना रहे, जब जवानी ना रहे, फिर क्या करी है मन की मानी, जब जवानी ना रहे, फिर क्या करे है मन की मानी, जब जवानी ना रहे। बांदी बोली कि अभी तुझे कुछ नहीं दिखाता, लेकिन मेरी बात सुन कि एक दिन तेरे पर कौन सा आएगा। अरे एक दिना होए बूढ़ी डुकैया सिकुड़ जाए सब खाल, एक दिना होए बूढ़ी डुकैया सिकुड़ जाए सब खाल,
और कमर झुक के कमान हुई है पिटक जाए तो का चले है चाले उतानी जब जवानी ना रहे फिर का चले है चाले उतानी जब जवानी ना रहे। ओ जवानी ना रहे जब जवानी ना रहे तब तेरी होगी खेचातानी जब जवानी ना रहे फिर का चले है चाले उतानी। रानी कहने लगी ओ बांदी आज तुम्हारी बातें ये मुझे शोभा नहीं देती लेकिन मेरी बात सुनो बहना। अरे दो कर जोड़े हाथ सुना मेरी बात तैयारी मेरी बहना कि जाके बिजली से चमकता दांत गुइया चेलवरी परना। बांदी बंदिया बिजली से चमकता दांत गुइया चेलवरी परेना। मेरी बहन बादलों जाइए रीमत पलकी देर लगाइए री मेरी बोला के गुइया लई री मेरे दिल की लगन बुझाई री बांदी। किसी तरीके से सिर्फ एक बार पूरन मल को लेकर के मेरी नजरों के सामने आओ इस एहसान को मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती। बांदी कहने लगी मैं नहीं जा पाऊंगी। बहन अरे हाथ जोड़ के रानी ने बाबंदिया से अरज सुनाई। बहना अरे छल बल से कौ ढंग से गुइया बेटे लिए बुलाई महाराज के रानी बात रही थी उच्चार पूरन मल को अब ले आइए ले जाना लखा हार ठगनी तो बे पथरा पर लला बे सिरन हुई गई है बेहा तो बे बिजली पर कुमर बे पागल हुई गई है पागल हुई गई है बेटा पे सिरन हुई गई है पथरा पर लला पे। जो ये जवाब दिया कि मैं तुझे अपने गर्दन से हार उतार करके दे दूंगी अगर तुम पूरन मल को किसी तरीके से ले आओ। बांदी कहने लगी चाहे एक बार कहो चाहे बार बार कहो लेकिन नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी और न मैं पूरन मल को लेकर के तुम्हारे आंगन में आ पाऊंगी। जो इतने शब्द सुने तो जवाब दिया वो नालायक। अब मैं समझ गई कि लातों की देवी कभी बातों से नहीं मानती। बांदी तू जाएगी तेरी बलाए और जाएगी। बीच आंगन में बांदी खड़ी है। रानी अंदर गई और चमड़े का कोड़ा निकाल के लाई और क्या किया उसने कोड़ा लेके हाथ अरे बंदिया पे परीती तुराई रे मार के जन बंधिया धरती पे लई निगराई रे बोल जाएगी या नहीं जाएगी।
और पैसे मारे चुटिया लो जाके खा ल झूल रह जाई रे। ओ पैसे मारे चुटिया लो जाके खा ल झूल रह जाई रे। तब रोए रोए के बंधिया ने रानी को अरज सुनाई रे। मेरे भाइयों, जिस समय मारते मारते बांदी को बेहोश कर दिया, बांदी ने खुले शब्दों में जवाब दिया, बहन मेरी जान बकसदे में पूरन मल को। हाँ, आ गई होश में, अगर पहले ही चली जाती तो तुझे कितना इनाम देती, लेकिन जाओ किसी तरीके से पूरन मल को लेकर के आओ। आधी रात का समय है और आधी रात के समय बांदी पूरन मल को लेने के लिए बगीचा के लिए चली और यह सोचती जा रही है कि मैं कौन सा बहाना बनाऊं जिस बहाने से बेटा पूरन मल को लेकर के आंगन में आऊं। मेरे भाइयों, आधी रात के समय जाकर के ये बगीचा में जब पहुंची तो एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय पूरन मल और माली का लड़का दोनों सार खेल रहे थे। जो पूरन मल ने देखा तो जवाब दिया, भैया माली, मुझे ये मालूम पड़ता है कि कोई बगीचा के अंदर खड़ा है। माली कहने लगा, पूरन मल, आधी रात के समय किसी पक्षी की भी हिम्मत नहीं जो कुमार साहब के बगीचा में कदम रख जाए, मगर अफसोस ये कौन है और जो सामने पहुंचा, कौन हो तुम? बांदी कहने लगी, मैं फूलमती की बांदी हूं, भाग पड़ा, भैया मौसी की बांदी आई है। आगे बढ़ा पूरनमल, कहो बहन घर पर कुशल तो है? मेरी मौसी का चित्त प्रसन्न तो है? आंगन में किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? बांदी कान लगी, लला अगर तुम्हारी मौसी ठीक होती तो हम आधी रात पर काय के लिए कबड्डी खेलने के लिए आती। क्यों, क्या कारण है, क्या कोई परेशानी है क्या? खुले शब्दों में बांदी कहने लगी, पूरनमल, जान दो कर जोरे हाथ, अरे कहीं जन बात गिराई उच्चारी है, महलन में बीमार पूरन सौतेली महतारी। पूरन मल, जन बात गिराई उच्चारी है, महलन में बीमार बेटा सौतेली महतारी। बाके होते पेट में पीर धरना धीर कहीं ना जाए। पूरन मल, बाके होते पेट में पीर धरना धीर कहीं ना जाई, बट पूरन पूरन कहते रहिए चिल्लाई। एक बात सुन के आज बाबी की मन बेटा पे पड़ो तुसार, तब धीरे से बेटा बोलन लागो, बहना साची दिए बताए। मेरे भाइयों, जिस समय पूरन मल ने यह सुना बांदी के मुंह से, तो पूरन मल कहने लगा, क्या कहा बांदी, सच बोलो। बांदी कहने लगी, पूरन मल, तुम्हारी मौसी के बहुत जोर से पेट में पीर हो रही है और तुम्हारी मौसी तुम्हारा नाम ले लेकर के आंगन में सिसक रही है पूरन, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम आंगन में नहीं गए तो तुम्हारी मौसी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, जो इतने शब्द सुने पूरन मल ने, तो पूरन मल के मन में बड़े विचार आए, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। मेरी मौसी के जब उधर में दर्द हुआ तो अपने बेटा की याद आ गई। बांदी, चलूंगा, जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। और माली का लड़का सामने आकर के कहने लगा, दोस्त क्या कहा तुमने? तुम नहीं जानते न औरतों के चक्कर, अगर मौसी के पेट में पीर होती तो इस बांदी को पिताजी के पास में जाना था। जब बगीचा में भजी चली आई, इन्हें कोई हॉस्पिटल खोलो, जो डॉक्टर को ले बेगता ही आई है। और घर में जाकर के कोई धोखा जरूर है, इसलिए तुम मत जाओ। पूरन मल कहने लगा, देखो मैं जाऊंगा जरूर,
क्योंकि मेरी मौसी के आंगन में कोई बालक नहीं है। माली का लड़का कहने लगा, तुम राजा के लड़के हो, मैं एक माली का लड़का हूं, लेकिन दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। कौन सी? कि जा दिन ते मौसी तेरी ब्याहे आई यार, अरे बतला दे बन महल में तो बुलबाओ के बार। कब और बुलाओ माने के आज आधी रात बाको हेज चटक हो जाए रहो है। और क्या बोला माली? के बुलबाओ के बार प्यार कर गोद बिठाओ कब कब, अरे बन समझ के अपनो लला कटोरन दूध पिलायो कब कब, समझ के अपनो लला कटोरन दूध पिलायो कब कब। जब से मौसी घर आई तो को बुलबाया कब कब, ए लाड प्यार से यो भैया तो गोद बिठायो कब कब, अरे लाड प्यार से यो किरना। बोलो। पूरन मल कहने लगा, वो तो कभी नहीं बुलाया, लेकिन एक बात का ध्यान रख बांदी, अगर मेरी मौसी बीमार न हुई तो इसका परिणाम, हाँ कुमार साहब, इसका परिणाम मेरी मौत है। लेकिन चाहे तुम मार डारो पूरन मल, चाहे तुम्हारी मौसी मार डारे, हमारी तो दोनों तरफ से मौत ही मौत है मेरे भाइयों। बांदी ने बात तो पूरी कह दी, लेकिन पूरन मन समझ नहीं सका, और पूरन कहने लगा, भैया बांदी की इतनी औकात कहाँ है जो इतनी देर तक झूठ बोले, इसलिए मुझे आंगन में जाने दे। माली का लड़का कहने लगा, देखो जाने के लिए मैं रोक नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि घर पर जाना खतरा से खाली नहीं है। हम और तुम सुबह चल करके मौसी की हालत देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना भाइयों, दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को हर समय मुसीबत से बचाने की सोचे, मगर आज आज के दोस्त सिर्फ कैसे रह गए, आज दोस्त सिर्फ मतलब से बनते हैं, और सबसे ज्यादा दोस्त दो बातों पर बनते हैं, एक तो अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो दोस्त पीछे घूमेंगे, या फिर घर में कोई बहन बेटी सुंदर है तो हमेशा दोस्त बनने के लिए तैयार रहेंगे, जानते हो। फिर लाखों दोस्त पीछे जब पैसे पास होते हैं और गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं, हैं? और आजकल अब मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें, आजकल अब मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें, तुम करो नेकी उल्टी दगा त्यारे साथ करें, माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें, ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करें। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करें, तुम करो नेकी उल्टी दगा त्यारे साथ करें, माल मारे जाल डारे हान दिन रात करें, ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करें। और इस कलयुग में अब चेला भय पेला, जे गुरु की न बात माने, जिनते सीखे विद्या और उन्हीं ते विवाद ठाने, तुम का जानो ज्यादा हम तुमसे का घाट जाने, मूर्ख बताए अब सिखाए पढ़ाए ताने। और गुरु मालक चेलन के हर पे जे ठगते न शरमाए, रे कलयुग के जमाने ओपन कैसे रंग जमाए, कलयुग के जमाने। माली कहने लगा, देखो भैया अगर तुम आधी रात पर गए तो धोखा होगा,
पूरनमल कहने लगा, देख बांदी मेरी मौसी से जाकर के कह देना कि हम सुबह आकर के अपनी मौसी की हालत जरूर देखेंगे। बांदी सोचने लगी ये तो बनी बनाई बात बिगाड़ देता है, और माली के सामने जाकर के कहने लगी, ओ नालायक, ऐसा बालक कौन होगा जिसे अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और ऐसी माँ कौन होगी जो अपने बेटा के साथ में धोखा करेगी। लेकिन पूरनमल तुम्हें क्या पता, पसली में को सूल बड़ी बेकल घबराए रही है, अरे चलियो बेटा संगत तुम्हें अब ही बुलवाए रही है, चलियो बेटा संगत तुम्हें आंगन बुलवाए रही है, चलियो बेटा संगत तुम्हें। अगर तुम सुबह गए तो तुम्हारी मौसी तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और उनके पेट में जहे बात चली जाए कि अगर हमाओ लला हो तो जरूर आ, तो सोते को हतो ता सुना आयो। मेरे भाइयों, जो पूरनमल ने सुना तो पूरनमल कहने लगा, देख भैया मैं जरूर जाऊंगा, अगर मेरी मौसी के आंगन में कोई बालक होता तो हम न जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी मौसी के दिमाग में यही बात आएगी इसलिए मुझे जाने दे। माली का लड़का कहने लगा, भैया जाए तो रहे हो लेकिन चले जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना पूरनमल, जाते समय और मौसी के आंगन में पहुंच करके तुम जरूर पछताओगे। पूरन क्या हुआ भाइयों, जिस दम पूरनमल हुआ चल बे को तैयार, एक छीक सामने हुई गई जक उगल परी तलवार। जो पूरनमल चलने के लिए तैयार हुआ, सामने से छींक हो गई, म्यान से तलवार निकल करके बाहर गिर पड़ी, तो माली के बेटा ने फिर पकड़ लिया, भैया मेरा कहना मानो मत जानो, और ये दिल में हमेशा सोच करके रहो कि मौसी तुम्हारी तुम्हारे साथ में धोखा जरूर करेगी। पूरनमल कहने लगा, भैया थोड़ी देर के लिए जुदाई बर्दाश्त कर ले, अभी आ रहा हूं मैं लौट करके। भाइयों, बांदी के साथ साथ पूरनमल जब एक खेत की दूरी पर निकल गया तो माली भाग करके फिर सामने पहुंचा और कहने लगा, भैया जाए तो रहे हो लेकिन एक बात हमारी और सुन लो। क्या? मोए पीठ दिखाए जात भातन कबे से मुख दिखलाई होवे। भैया, मोए पीठ दिखाए जात भातन कबे से। भक्त पूरनमल जाकर के जब मौसी के दरवाजे पर पहुंचा, बांदी तो अंदर चली गई और पूरनमल दरवाजे पर खड़ा है। क्या देखा पूरनमल ने कि बांदी ने जाकर के कहा था मौसी बीमार है, लेकिन मौसी बीमार नहीं है, मौसी सोलह श्रृंगार किए हुए चारपाई पर मुस्कराती बैठी है। अब पूरनमल को शंका हुई, ये क्या हुआ, दरवाजे पर खड़ा है पूरन, सोच रहा है, और ही तारे पर है वो खुदा खैर करे, कदा क्या मौत का चक्कर है खुदा खैर करे, कदा क्या मौत का चक्कर है खुदा खैर करे। बखूबी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे, खूबी दिखती मौसी के खुशी चेहरे पे, ना कोई मर्ज का जिक्र है खुदा खैर करे, ना कोई मर्ज का जिक्र है खुदा खैर करे, कदा क्या मौत का चक्कर है खुदा खैर करे। दरवाजे पर खड़ा है पूरन, सोच रहा है क्या करूं, अरे सदम आधी रात लला पछता तो द्वार पे ठाड़ो, जाके गेलम गेंदुआ देख रे के चढ़ गओ तन में जाड़ो। क्या करूं,
करके सिंगार नाए बीमार सोच दिल बाड़ो बैठी है करके सिंगार नाए बीमार सोच दिल बाड़ो लगे अजब अनोखे ढंग हो तो संकारो अब हो सब बिगड़ गए हैं बेटा के भैया सुनियो यार हमारे बांदी बोलती है रनिया ते अब कहा कट गई अकल तुम्हारे मेरे भाइयों जिस समय पूर्णमल दरवाजे पर खड़ा है और इधर बांदी फूलमती के सामने पहुंची और कहने लगी ओ नालायक अब क्यों बैठी है मेरा काम तो खत्म हुआ। जो इतने शब्द सुने तो फूलमती उठ करके पूरनमल के पास के लिए चली और दरवाजे पर जब फूलमती पहुंची पूरनमल ने जब अपनी मौसी को आत भयो देखो आगे बढ़ा और जो पैर छूने के लिए पूरनमल झुकने लगा तो वो हत्यारिन पीछे हट गई। क्या कारण है मां ये क्या कर रही हो तुम? बांदी ने जाकर कहा है मौसी बीमार। उसी वक्त बस चल पड़ा रहन सब्र करार। रहन सब्र करार हुई बेगम की पैदाइश है एक मिनट हो सके फिर डटने की गुंजाइश है। चौम धोखा दियो करीका मेरी अंजबाइश है। बोलो क्या तुमने मेरी अंजबाइश की है या तुमने हमें धोखा दिया है मां? फूलमती कहने लगी पूरनमल सबसे पहली बात तो यह है कि तुम आज से हमें मौसी और मां नहीं कहोगे। क्या मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात? पूरन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाई जाती हैं समझी नहीं जाती लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ समझी जाती हैं समझाई नहीं जाती। पूरन कह लगा मेरी समझ में नहीं आया तुमने आंगन में क्यों बुलवाया मुझे? फूलमती कहने लगी पूरन चीखो मत क्यों बुलवाए कुमर तुम्हें साची सी समझाऊं नेक धीरे धीरे सुना भेद सवरोई मैं बतलाऊं पूरन सजना तुम मेरे और सूरत तेरी देख हुई गए आधीन में तेरे सुनी जब बेटा ने पानी अरे सुन मौसी के बेन भयो जग पेट में अब पानी सुनी जब बेटा ने पानी पूरनमल मैं तुम्हारी सूरत को देख करके तुम्हारे ऊपर आशिक हो रही हूं अर्थात तुम हमारे पूरन कह लगा तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कह रहे तुम? कम से कम विचार करो कि तुम्हारा बालक तुम्हारे सामने खड़ा है मां। तुम नहीं जानती जो अपने पति को छोड़ करके दूसरों से हित करती है उनकी बहुत बुरी दशा होती है। और पूरन मल ने खुले शब्दों में जवाब दिया मैया अपने पति को छोड़ गैर संग ने वरी लगावे अपने पति को छोड़ गैर संग प्रेम वरी लगावे बात दूसरे जन्म में बालापन में विधवा यरी है जावे हिलकी सी भरी गई है आंख ले आंसू भर बेटा ने दिल की कह दई है मैया तो पे पथरा पर लला को आज सताए रही है मौसी तो पे पत्थर पर लला को आज सताए रही है आज सताए रही है बेटा को आज सताए रही है मैया
थोपे पथरा परे के मैया। जवाब दिया, मौसी जो अपने पति को छोड़ करके दूसरों से हित करती हैं उनकी बहुत बुरी दशा होती है, इसलिए तुम हमें अपना बेटा समझ करके माफ करो। मैं नहीं जानता था कि तुम हमारे साथ में छल करोगी, अन्यथा मैं तुम्हारे आंगन में कभी नहीं आता। मैं इसीलिए आया, शायद हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह विचार आया कि वो मेरा बालक नहीं था इसलिए नहीं आया। फूलमती कहने लगी, पूरनमल, भाषण देने के लिए मैंने तुम्हें आंगन में नहीं बुलाया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम हमारे पिया न बने इसका परिणाम तुम्हारी जिंदगी मौत में बदल के दिया जाएगा, मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगी। पूरन पूरन कहने लगा, मां मरने की धमकी तो किसे दे रही है, ये वो गुड़ कहां है जिसमें चीटियां लग जाए। तू जन्म के जति को सतावे मती, हरती के पति की हवाई नहीं चल, लाखों करोड़ों तरह से कहो। लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी से जो पे रखूं कदम ही नहीं। और क्या बोला पूरन, चल लाखों करोड़ों तरह से कहो, मुझे आना पलंग पर रवा ही नहीं, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। पूरन मल कहने लगा, मां ऐसे मरीजों का मेरे पास में इलाज नहीं है, अन्यथा तुम हमें अपना बेटा समझ करके माफ कर। फूलमती कहने लगी, पूरन ऐसा दुनिया में कोई जति या सती मैंने आंखों से देखा है सरी नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा। जिसको नारी के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई मनुज ही नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो पूरन, मेरी मानो सलाह है इसी में भला, गुजर ही नहीं, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यदम, ओ तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यदम, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यदम, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। जवाब दिया पूरन, अगर तुम हमारे पिया न बने इसका परिणाम मैं तुम्हें सुबह ही सुबह फांसी लगवा दूंगी। पूरन कहने लगा, चाहे कुछ भी कर मां, सूर्य चाहे पूरब से पश्चिम में उगने लगे, गंगा जी चाहे उल्टी बह जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, इतने तो काम हो सकते हैं मां, लेकिन पूरन अपने धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता। फूलमती कहने लगी, ओ नालायक, ए नारी को सुख तू सकोन पहचान, तेरा जीना हराम तेरा जीना हराम, ओ तेरा जीना हराम तेरा जीना हराम। फूलमती कहने लगी, पूरन पत्नी बनाने में ना लइयो उदासी, कहना ना मानोगे सुबह लगवा दू फांसी,
कहने लगा, मौसी तुझे शर्म नहीं आती? मौसी तेरी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़ा है, बकती है कुफर तेरा बेटा खड़ा है। माँ एक किसको ना मालूम बंदा सर पे कफन है, जीवन की एक श्वास ये अनमोल रतन है। तूने जीवन में कभी और खोजे न राम तेरा जीना, वो तेरा जीना, हाँ तेरा जीना हराम, तेरा जीना, तेरा जीना हराम, तेरा जीना। फूलमती कहने लगे, पूरन इस बात को ध्यान रखो तुम कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरन मल कहने लगा, चाहे कुछ भी कर मां, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ भाइयों? बेटा के सुन के सखुन फूलमती खिसिया, दर झपट के भक्त को जन फेंटा पकड़ हो जाए। फेंटा पकड़ लिया पूरन मल का, समय खड़ी मगरो पिके, पूरन मल नजर जोड़े नहीं, और बल कर छुटाए रहो फेंट को रानी, मगर छोड़े नहीं। जिस समय पूरन मल ने देखा कि अब मेरा धर्म नहीं बचेगा, छत पर खड़ा था पूरन, आंगन की तरफ देखा कि आंगन बिल्कुल साफ है, तो क्या किया? छत से फौरन आंगन में तब कूद पड़ो तो ब्रह्मचारी, छत से नीचे आंगन में तब कूद पड़ो तो ब्रह्मचारी। मौसी के हाथ में रह गई डाकी फेंटा और कटारी, कूदो है और अंबा देखो लाल भगो बगिया को सूदो है। भैया ऊपर से या बाजत भाई मौसी ने लगाए दई है, दादा ऊपर से या बाजत भाई मौसी ने लगाए दई है। जैसे ही पूरन मल निकल करके भागा, फूलमती चीख पड़ी, है पूरन वहीं ठहर जा, इस दम आधी रात्रि को छोड़ चला मुझे खैर, सुबह चखा दूंगी मजा जाले में अपनी शहर, इस दगाबाजी का मजा सुबह तू अवश्य पाएगा और भोर हो से पहले सूली पे तू चढ़ जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूं कि अब भी वापस आ जा। दरवाजे से बाहर निकल करके पूरन मल कहने लगा, क्या कहा मौसी? फांसी लगवा दोगी हमें? तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं जानता था कि तुम हमें धोखा देकर के बुला रही हो। और क्या बोला पूरन? मेरे मरने से छाती शीतल है जाए मैया तेरी, मौसी तेरी मन निश्चित दिए मर पायरी, रजा है मैया तेरी। मेरी मात बने तो सुकरे रह जाए हर बार, ले देखो मेरी जान बन गई तू बैलन बीमार। भाई
भैया इतनी कह के बात लला बगिया को भज गओ है। दादा इतनी कह के बात कुमार बगिया को भज गओ है। पूरन मल तो चला गया और सोचने लगा पता नहीं मेरी मौसी सुबह सुबह हमारे लिए क्या षड्यंत्र रच करके तैयार करें। एक वृक्ष के नीचे लेट करके सारी रात यही विचार बनाता रहा क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अगर मैं मौसी के आंगन में नहीं जाता तो भी ठीक नहीं था, और मौसी के आंगन में चला भी गया तो भी ठीक नहीं है। इधर फूलमती कहने लगी, बांदी अब क्या होना चाहिए। बांदी कहने लगी, हम क्या बताएं, हम तो नहीं समझाती नहीं, अब कुछ मिलो। एक बात बताएं बांदी, अगर सुबह ही सुबह उसने अपने पिताजी से जाकर के चुगली कर दी तो हमारे साथ में फांसी तेरी भी होगी, क्योंकि तू बगीचा से लिवा करके लाई थी, तो क्या करूं। फूलमती कहने लगी, बांदी गवा दे दे जो बांदी तो पूरा गुल खिला दूंगी। अगर वो अपने बाप से चुगली भी खाएगा तो उसका रंग हटा करके मैं अपना रंग जमा दूंगी, अगर तू गवा दे दे तो। बांदी कान लगे, गवा ना दी और भार में गिरी तुम कही होता इन 10 बातें और मिलाई दी। ध्यान रखना भाइयो, क्या हुआ कि प्रात हो दरबार को जन बांदी दीनी भेज, प्रात हो दरबार को जन बांदी दीनी भेज, ये रानी ने कौतिक रचो जाने उलटी मारी सेज। सवेरे सवेरे बांदी को तो भेज दो, जा तुम हमारे पिया को लेवाए के लाओ। और रानी ने चार पाई उल्टी करके डाल दी, तकिया दोने मुलझाई दी, रजाई मोरी पे डली, नई साड़ी के टूक टूक कर डाले, माथे की बिंदिया ठोड़ी पे लगाई ली और औंधी होकर के आंगन में गिर पड़ी। अरे बेहा, लेकिन ध्यान रखना भाइयों, अगर अपनी जिंदगी सुख में बिताना चाहते हो तो ब्रजेश की एक बात कभी मत भूलना। कौन सी? एक प्रीति करे तो करे मर्द से, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करना, अरे औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरेना, औरत अपनी ना हो बिन आई मौत मरेना। पर हम ही आप क्या हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके देखिए। प्रीत करी थी उस रावण ने सीता से नेह लगाया, जन सोने की लंका खाक करिधारी कुल को नाश मिटाया, ए सोने की लंका खाक करिधारी कुल को नाश मिटाया। मजनू ने लैला स्नेह लगाया, अरे सीरी पे फरियाद मिट हाथ कछु न आया, प्रीत करे तो करे मर्द से, ए प्रीत करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीत करे ना, औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना, औरत अपनी ना हो बे बड़े। ध्यान रखना भाइयों, स्त्री कभी अपनी नहीं होती। और लिखा किसी कवि ने कि दोष इंसान का भी नहीं होता, आप लोग सोचते होंगे वो कैसे, कि छोटी पूरी कामिनी जे सब ही बिसकी बेली, छोटी पूरी कामिनी जे सब ही बिसकी बेली, ए दुश्मन मारे दाव से जे मारे हस खेले, पैरी मारे दाव से जे मारे हस खेले, ध्यान
ध्यान रखना भाइयों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आप जगदीश रामायण को उठा करके देखिए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि इंसान के दुश्मन कई तरीके के होते हैं, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन स्त्री होता है, जो कि इंसान को हंस करके मारता है। मगर बड़े अफसोस की बात कि हम उसी दुश्मन को हम और आप पालते हैं, मगर कभी सोचा? पर नारी की प्रीत भूस की तपनी, चाहे धरियो मूढ़ को काटे हो तिनाए अपनी। नारी कब हो न काऊ की भाई न जीवन में हो, पर नारी पे विश्वास करे बासो पागल ना कोई। जरा ध्यान दें, बड़ी अच्छी बात आ गई है। किसी कवि ने पर नारी के ऊपर कुछ लिखा, क्या लिखा?